हेलो एवरीवन, माय नेम इज शानू अरोरा एंड वेलकम टू द नंबर वन प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया टू क्रैक एनी एग्जाम, दैट इज अनअकैडमी। मैं हूं एक प्लस एजुकेटर, टॉप एजुकेटर ऑफ आईआईटी जैम, ठीक है। और मैं आज आपको आईआईटी जैम के बारे में सारी डिटेल्स बताने वाला हूं कि क्या आईआईटी जैम एग्जाम होता है और किस चीज के लिए होता है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, कैसे क्रैक करना है एग्जाम। आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सफर को। हेलो एवरीवन, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आईआईटी जैम की पूरी इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, क्या सिलेबस एंड एवरीथिंग, जैसे मैंने अभी बात करी। सही है, फर्स्ट ऑफ ऑल नो मी, हु आई एम, माय नेम इज शानू अरोरा। आई एम करंटली परसुइंग माय मास्टर्स इन फिजिक्स फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे बाय सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक 25 इन आईआईटी जैम एग्जाम, एंड ऑल्सो आई एम अ प्लस एजुकेटर एट अनअकैडमी। अगर आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस देखना चाहते हैं तो ये जो टाइनी यूआरएल दिया हुआ है नीचे, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी मेरे एग्जाम्स, मेरी क्लासेस के बारे में। ऑल्सो आप अनअकैडमी पे जा सकते हैं और मुझे सर्च कर सकते हैं, वहां पे भी मेरी बहुत सारी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो व्हाई दिस वीडियो, आपको क्या मिलने वाला है, व्हाट दिस वीडियो हैव फॉर यू, देखते हैं। पहले नजर डालते हैं इस वीडियो का कॉन्टेंट, जो कि ये है व्हाट इज आईआईटी जैम एग्जाम, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस एग्जाम के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, कोर्सेज बताऊंगा और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, एग्जाम पैटर्न क्या होता है आईआईटी जैम का, सिलेबस क्या होता है, रैंक क्या चाहिए आपको, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन सेकेंड पॉइंट, ठीक है। एंड थर्ड, मैं थोड़ी सी आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि क्रैक करने के लिए स्ट्रैटेजी आपको क्या चाहिए इस एग्जाम को। और फोर्थ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि वाई आईआईटी, हम क्यों आईआईटी ज्वाइन करना चाहते हैं या आईआईटी जैम एग्जाम क्यों दें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें मैं आपको प्लेसमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ, आईआईटी में क्या प्लेसमेंट की सच्चाई है, ठीक है। ऊपर से क्या कोर्सेज वो लोग ऑफर करते हैं, क्या सोसाइटीज होती हैं, क्या बेसिकली कह लीजिए आईआईटी का इतना नाम क्यों है। मैं खुद आईआईटी बॉम्बे से अपनी मास्टर्स कर रहा हूँ और मुझे पता है कि क्या आईआईटी आपको ऑफर कर सकता है। तो चलिए बताता हूं आपको सब कुछ इसके बारे में। ओके, सो अब आ जाते हैं आईआईटी जैम एग्जाम में, कि आईआईटी जैम एग्जाम एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो जैम स्टैंड्स फॉर जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, ठीक है। इससे आईआईटीज और आईआईएससी में एडमिशन मिलता है, प्लस इससे आइजर्स एंड एनआईटीज में भी एडमिशन मिलता है। कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि सर एनआईटीज में भी मास्टर्स होती है, तो होती है यस, और आइजर्स में इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम्स होते हैं जो 6 साल के मिनिमम होते हैं, जिसमें पीएचडी और एमएससी की डिग्री आपको साथ में दी जाती है, ठीक है। सो कौन कौन से कोर्सेज होते हैं इसमें, एमएससी 4 सेमेस्टर, ज्वाइंट एमएससी पीएचडी, एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री एंड एसेक्ट्रा प्रोग्राम्स एट आईआईटीज या आईआईटी में होते हैं, और आईएससी बैंगलोर में कौन सा प्रोग्राम होता है, इंटीग्रेटेड पीएचडी डुअल डिग्री प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड पीएचडी डिग्री प्रोग्राम, ठीक है। सो थोड़ा सा और इसको खुल के बताएंगे, ये मैंने वेबसाइट से लिया है, जैम की वेबसाइट से, ये 2021 का लेटेस्ट है कि एमएससी 2 ईयर्स में एडमिशन मिलेगा, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स मिलेगा आपको, ज्वाइंट एमएससी पीएचडी, एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री एंड अदर पोस्ट बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम्स एट अदर इंस्टीट्यूट्स लाइक आइजर्स एंड आईएससी, ठीक है। सो जैम की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ आपको, कि 2004 एंड 5 से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। पहला 2004-5 में कंडक्ट हुआ था आईआईटी जैम एग्जाम, जिसमें 2 ईयर्स एमएससी प्रोग्राम और जॉइंट एमएससी पीएचडी, एमएससी पीएचडी प्रोग्राम्स किए गए थे, ठीक है। सो अब मैं आपको बता दूं कि इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये तो एनआईटीज हैं, बाकी मैं पहले आपको जैम की सीधी वेबसाइट पे ले जाता हूं, जहां पे सारी आपको वहां पे डिटेल दे दी जाएगी। चलिए, तो ये जैम की वेबसाइट खुल चुकी है डायरेक्ट, कि स्टार्टिंग से ले लेते हैं, कि ये मैंने जैम सर्च किया, आपको क्या सर्च करना है, आईआईटी जैम, अगर आप 2022 दे रहे हैं या 2023 दे रहे हैं तो उसी हिसाब से सर्च कर लें, फिलहाल मैं 2021 के बारे में बता रहा हूं। तो आईआईटी जैम की ऐसी कोई वेबसाइट दिखेगी आपको, ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद आपका ये पोर्टल खुल जाएगा, पोर्टल इन द सेंस पूरी वेबसाइट खुल जाएगी। सो मैं आपको बता रहा था कि जैम से कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो है एडमिशन लेते हैं, ठीक है। सो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, आईआईटीज वगैरह सारे एडमिशन लेते हैं। तो कौन कौन से आईआईटीज हैं, आईएससी बैंगलोर प्लस सारे आईआईटी हैं, आईआईटी भिलाई, भुवनेश्वर, आईआईटी बॉम्बे,
ठीक है, आईआईटी दिल्ली, धनबाद, गांधीनगर एंड वे ऑन टू इट गोज फॉर वाराणसी। ठीक है, तो सारे आईआईटीज का एडमिशन अगर आपको एमएससी करनी है तो आप इससे आईआईटी जैम एग्जाम दे सकते हैं ताकि आप अपना एडमिशन आईआईटीज में ले सकें। ठीक है, ये बात तो हो गई। और सर जैसे आपने जेई मेन्स का सुना है ना कि जेई मेन्स में क्या होता है कि रिजल्ट शेयरिंग करते हैं कुछ इंस्टीट्यूट्स, जैसे जेई की रैंक आपकी बाकी कॉलेजेस में भी लगती है, तो ऐसे ही जैम का भी हिसाब है कि जैम का रिजल्ट शेयरिंग इंस्टीट्यूट्स क्या क्या है मैं अभी आपको बताता हूं। ठीक है, ये जो है आईआईएससी बैंगलोर और आईआईटी बॉम्बे के जो कुछ प्रोग्राम्स हैं ये जैम से भी एग्जाम लेते हैं, मतलब जैम से भी आपका जो है आपको एडमिशन देते हैं, वैसे इनका खुद से भी अलग से प्रोग्राम है, तो ये रिजल्ट शेयर करते हैं आईआईटी जैम का। ऑल्सो जो एनआईटीज एंड सीएफटीआईज है कि ये कौन कौन से आपका एडमिशन देते हैं वो मैं आपको स्लाइड पे बताता हूं। चलिए वापस स्लाइड पे चलते हैं। ठीक, सो ये जो आपको दिख रहा है इंस्टीट्यूट्स दैट शेयर द रिजल्ट, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट इन सीसीएमएन, सीसीएमएन जैसे कि हमारी काउंसिल वो होती है जो जेई रिजल्ट शेयर करती है, वैसे ही जैम के लिए भी एक काउंसिल है जो शेयर करती है रिजल्ट्स, तो उस काउंसिल के अंदर ये कॉलेजेस आते हैं। तो मेनली एनआईटीज की अगर बात करूं तो एनआईटी अगरतला, कालीकट, दुर्गापुर, हमीरपुर, कर्नाटका, मेघालय, नागालैंड, सारे एनआईटीज एंड इट गोज वे ऑन टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि हावड़ा में है, ठीक है, शिवपुर हावड़ा में। तो ये सारे कॉलेजेस जो है एडमिशन आपका लेते हैं उसमें। सो आगे अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट अपना बता दिया जो मैं बताना चाहता था कि व्हाट इज आईआईटी जैम एग्जाम। सो मैंने बताया आपको आईआईटी जैम एग्जाम क्या क्या है। अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि एलिजिबिलिटी, कोर्सेज और ये सब क्या है। तो इसके लिए मैं डायरेक्टली आपको जैम की वेबसाइट पे ले जाता हूं ताकि वहां से आपको पूरा पूरा ओवरव्यू आ सके। ठीक है, सो पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। सो एलिजिबिलिटी के लिए यहां से अगर आप देखें कि एडमिशंस की एलिजिबिलिटी क्या है आपको, तो यहां से आपको मिल जाएगा यहां पे जनरल इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन साइट्स। तो चलिए मैं आपको बताता हूं एलिजिबिलिटी के बारे में। पहले एलिजिबिलिटी के लिए यहां पे एडमिशन पे जाना है और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आपको देखनी है। ठीक है, सो यहां पर मेन मेन जो एलिजिबिलिटी की कौन कौन आईआईटी जैम एग्जाम देना दे सकता है। अभी तक आपका मन बन गया होगा कि आईआईटी जैम एग्जाम देना है, तो अब मैं आपको बता दूं कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है। अगर आपने बीएससी बीटेक किया हुआ है विद मिनिमम 55% और 5.5 फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो आप जो है एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए। ठीक है, और अगर आपने 50% अटेन किया है एससी एसटी एंड पीडब्ल्यू से पीडब्ल्यूडी से तो आपको तब भी आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देखने देने के लिए। ठीक है, ऑल कैंडिडेट्स एडमिटेड थ्रू जैम शुड हैव अ बैचलर्स डिग्री। तो यही दो मेन मेन क्राइटेरिया हैं, ठीक है, कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप थर्ड ईयर के बाद ही अप्लाई करें, मतलब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+3 है कि आप थर्ड ईयर में होने चाहिए बीएससी के या बीटेक के, तो आप ये जो है एग्जाम दे सकते हैं आईआईटी जैम का। ठीक है, सो आपको अगर आप ये बताऊं कि मिनिमम एलिजिबिलिटी हमारा क्राइटेरिया क्या रहता है इसका, सो उसकी भी बात कर लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए मिनिमम, तो अगर मैं यहाँ पे अगर सब्जेक्ट की बात करूं तो मैं लेट मी चूज। यहाँ पे देखो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ों में बता रहा हूँ कि ये 7 एग्जाम्स होते हैं आईआईटी जैम के। जैसे कि पहले भी अगर आप बाहर भी जाएं इस वेबसाइट में तो यहाँ पे आपको विजिबल होगा कि ये 7 एग्जाम्स होते हैं आईआईटी जैम के अंदर। कौन कौन से होते हैं? बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स एंड फिजिक्स। तो ये 7 एग्जाम्स हैं जो आप आईआईटी जैम के अंदर दे सकते हैं, और इन सारे सब्जेक्ट्स में क्या कर सकते हैं आप एमएससी कर सकते हैं, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, एमएससी केमिस्ट्री कर सकते हैं, एमएससी इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, ऐसे ही एमएससी फिजिक्स एंड एवरीथिंग जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कमिंग ऑन टू अगेन गोइंग थ्रू व्हाट आई वॉज टेलिंग यू द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो ये जो 7 एग्जाम्स हैं, ठीक है, तो आप इसमें कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए आपको। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो आपको एमएससी फिजिक्स इन इंस्टीट्यूट से, कौन कौन से, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी दिल्ली में से। सो इसमें कुछ में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है,
ठीक है, आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, यानी कि अगर आपने बीएससी कर रखी है प्रोग्राम से, यानी कि जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों पढ़ाई जाती है, या फिर आपने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स कर रखी हो जिसमें स्पेशलाइजेशन होता है, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक, यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन एक दिया हुआ है कि फॉर बीएससी बीएस डिग्री फिजिक्स शुड बी फॉर 2 ईयर्स, आपने 2 ईयर या 4 सेमेस्टर तक फिजिक्स पढ़ी होनी चाहिए, और या फिर मतलब एंड मैथमेटिक्स जो कि 2 सेमेस्टर्स। तो ये जनरली होता ही है, कोई भी फिजिक्स ऑनर्स प्रोग्राम हो या बीएससी प्रोग्राम हो, उसमें भी मतलब 4 सेमेस्टर आपकी फिजिक्स होनी चाहिए, 2 सेमेस्टर आपकी मैथमेटिक्स होनी चाहिए, जो जनरली होती है, तो आपको ज्यादा उसकी केयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही बाकी सारे भी जो ज्वाइंट एमएससी पीएचडी फिजिक्स है उनके लिए भी सारे यहाँ पे जो है क्राइटेरिया दिए हुए हैं, और ज्यादा अलग नहीं है, सारे सेम ही है ऑलमोस्ट जो मैंने आपको बताया है। फिर भी अगर आप किसी स्पेसिफिक में इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि एमएससी एस्ट्रोनॉमी जो कि आईआईटी इंदौर से होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है। ठीक है, ये इसमें डिग्री चाहिए, बस यही क्राइटेरिया है। तो ऐसे ही अगर आप मनपसंद कोर्स के लिए यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे सकते हैं। ऐसे ही बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में भी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी अगर आपको आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी इंदौर से करनी है, तो आप एनी ब्रांच किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। ठीक है, और आपको ये रिस्ट्रिक्शंस है, बाकी दूसरे चीजों के लिए जो जो रिस्ट्रिक्शंस है वो यहाँ पे मेंशन है। ठीक, इसी के साथ आपको एलिजिबिलिटी बता दी मैंने, मिनिमम क्वालिफिकेशन बता दी। अब मैं कोर्सेज की बात करूंगा कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है हमारा आईआईटी जेएम एग्जाम। तो अगर बात करें आईआईटी बॉम्बे की, या आईआईटी बॉम्बे की बात करें, तो देखो 2 ईयर एमएससी आपको प्रोग्राम मिल जाएगा। किस किस में? अप्लाइड में, अप्लाइड जियो फिजिक्स में, अप्लाइड स्टेटिस्टिक्स में, इंफॉर्मेशन में, बायोटेक्नोलॉजी में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में। तो ये सारे जो कोर्सेज हैं आपको मिल जाएंगे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने बीएससी कर ली है और आप चाहते हैं एमएससी करना, तो एमएससी यहाँ से आपको मिल जाएगी। या अगर आप एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री करना चाहते हैं तो भी आपको आईआईटी बॉम्बे से मिल जाएगा। अगर आप आईएससी बैंगलोर की बात करें तो इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम्स मिल जाएंगे बायोलॉजिकल साइंसेज में, केमिकल साइंसेज में, मैथमेटिकल साइंसेज में, एंड ऑफकोर्स फिजिकल साइंसेज में। ठीक है, तो ऐसे ही पूरी यहाँ पे क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है कि कौन कौन सा इंस्टीट्यूट क्या क्या करता है। वैसे आपको ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने बीएससी करी है और आप सिंपल एमएससी करना चाहते हैं, जनरल एमएससी जो होती है, तो आपको क्राइटेरिया, आपको एलिजिबल है आप अगर आपने बीएससी प्रोग्राम किया हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न के लिए आप यहां पर आ सकते हैं कि पैटर्न ऑफ द टेस्ट पेपर्स क्या रहता है, आईआईटी जैम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एमएसक्यूज आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। सो ये है आपका जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है मेजर मेजर कि एग्जाम पैटर्न्स क्या क्या है हमारा। इसमें देखिए 1 मार्क क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में, एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड एनएटी। तो इनमें फर्क क्या है पहले तो ये बता देता हूं मैं। तो एमसीक्यू क्या होते हैं हमारे, एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे होते हैं जिसमें 1 आंसर ठीक होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन बी में जो एमएसक्यू दिख रहा है वो क्या है, मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन। यानी कि इसमें क्या होता है कि आपका इसमें जो है मल्टीपल आंसर ठीक हो सकते हैं। एनएटी का मतलब है न्यूमेरिकल आंसर टाइप। ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप का मतलब है जिसमें आपको नंबर फिल करना होता है, जैसे कि जेई एग्जाम में होता है। ठीक है, सो इसमें कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, आईआईटी जैम में टोटल जो है 60 क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और टोटल मार्क्स कितने होते हैं इनके, 100 मार्क्स का पेपर होता है। सर नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? यस, नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन सिर्फ सेक्शन ए में। ठीक है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो सेक्शन ए में हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। यानी कि जो 1/1 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आ रहे हैं, इनकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। और जो 2 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आते हैं उनकी नेगेटिव मार्किंग 2/3 है पर क्वेश्चन। ठीक है, बात करें सेक्शन बी में और सेक्शन सी में नेगेटिव मार्किंग की, तो नहीं, सेक्शन बी के क्वेश्चन 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, और सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन जो आते हैं 10 मार्क्स के आते हैं, और 10 क्वेश्चन जो आते हैं 2 2 मार्क्स ईच 20 मार्क्स। तो ये टोटल क्राइटेरिया बैठता है सेक्शन ए का 30 मार्क्स,
सेक्शन बी का 10 मार्क्स, सेक्शन सी का 20 मार्क्स. तो टोटल यानी कि टोटल क्वेश्चंस, सो टोटल क्वेश्चंस कम आउट टू बी 60 एंड टोटल मार्क्स कम आउट टू बी 100. ठीक है, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग और पार्शियल मार्किंग फॉर सेक्शन बी एंड सेक्शन डी, ये लिखा है. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं कि अब हम आगे जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या है. तो बहुत ही क्लियरली मेंशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा सिलेबस क्या है, जिसका भी आप सिलेबस देखना चाहते हैं. अगर आपको मैं केमिस्ट्री का सिलेबस दिखाऊं, सो ये आपको बहुत ही क्लियर शब्दों में केमिस्ट्री का सिलेबस मिल जाएगा, जो मेजर मेजर आप बीएससी प्रोग्राम कोर्स जो होता है, पीसीएम कोर्स जो होता है, या फिर केमिस्ट्री ऑनर्स में आप कवर अप करते हैं. फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पार्ट्स आते हैं, ये सब आपको यहाँ पे अवेलेबल है. ऐसे ही अगर मैं किसी और कोर्स की बात करूँ, मैं अपने कोर्स की बात कर लूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स में ये सब दिया हुआ है, मैथमेटिकल मेथड्स, मैकेनिक्स, ऑसिलेशंस, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, काइनेटिक थ्योरी, मॉडर्न फिजिक्स, सॉलिड स्टेट, वो सब जो आप बीएससी में पढ़ते हैं. ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत ज़्यादा बाहर आता हो, बाहर से आता हो, बट कहने का मतलब यह है कि आपको एडवांस स्टडी की जरूरत होती है जो आपने ऑलरेडी बीएससी में पढ़ा हुआ है. ठीक है, इसके बारे में स्ट्रैटेजी की बात करेंगे आगे आपसे. फिलहाल अब आ जाते हैं कि डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है एग्जाम की. ठीक है, सो मैंने अभी आपको एलिजिबिलिटी बता दिया, कोर्सेज बता दिए, एमईक्यूज बता दिए, एग्जाम पैटर्न बता दिया, सिलेबस बता दिया. अब आते हैं आपको डेट्स पे कि डेट क्या होती है, कब होता है एग्जाम. अब सर मैं एक्साइटेड हो गया हूँ एग्जाम को लेकर, कब होता है ये एग्जाम, चलो बताओ. तो एग्जाम होता है ये इस बार फरवरी 14 को है. ठीक है, ये जनरली सेकेंड संडे को होता है हमारा जो भी एग्जाम, आईआईटी जैम का एग्जाम, सेकेंड संडे ऑफ फरवरी. ठीक है, तो इस बार 14 फैब 2021 को है. सो फॉर्म कब खुलते हैं सर, फॉर्म जो खुलते हैं इसके, ये देखिए सितंबर 10 को जो है इसके फॉर्म खुलना स्टार्ट हो जाते हैं, और जनरली अक्टूबर यानी कि एक या डेढ़ महीने तक जो है इसके रहते हैं फॉर्म ओपन. उसके बाद जो है ये एग्जाम, एडमिट कार्ड वगैरह, ये तो सब आपको पता लगता ही रहेगा. इंपॉर्टेंट ध्यान करने वाली बात यही है कि सितंबर में इसके जो है फॉर्म शुरू हो जाते हैं और एग्जाम होता है फरवरी सेकेंड वीक में. ओके, सो अब आ जाते हैं कि सर एग्जाम फीस क्या है इसकी. ठीक है, तो चलिए उसके लिए दोबारा से स्लाइड्स पे चलते हैं, ये आ जाएंगे. ठीक है, ओके, सो ये आपको मैंने बता दिया, यहां पर इतना मैंने पूरा पोर्शन कवर कर दिया है. और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इससे रिलेटेड वो मैं आपको सारी बताने वाला हूं अभी. ठीक है, कि सिलेबस, रैंक, क्या क्या रैंक होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि आपको रैंक क्या क्या आती है इसमें, वो बताता हूं अभी. चलिए, सो ये आपको बता चुका हूं. हाइलाइट्स मैं बता दूं कि इस बार आईएससी बैंगलोर करवा रहा है जैम 2021. ये जो होता है सीधे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जैसे कि ये पेन पेपर एग्जाम नहीं होता है, सीधे कंप्यूटर पे ही आपको करना होता है. 7 सब्जेक्ट्स के लिए इस बार जो है आईआईटी जैम खुलेगा, मतलब बायोटेक्नोलॉजी, मास्टर्स हमारा मैथमेटिकल साइंसेज, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स एंड ये 7 पेपर्स जो मैंने आपको बताए पहले. ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है इसी साल ऐड हुआ है. ठीक, सो अगेन दीज आर द 7 सब्जेक्ट्स. और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैं आपको बता ही रहा था कि कैसा कैसा पैटर्न आता है, और ऑनलाइन मोड में ही इसकी जो है एप्लीकेशन भी आपको सबमिट करनी होती है, जैसे कि आपको अप्लाई करना होता है वो भी ऑनलाइन मोड में ही करना होता है. ठीक है, सो दिस इज आपके 2 पेपर. आप जो हैं, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैम 2021 एग्जाम टेस्ट शेड्यूल, आप जो है 2 पेपर दे सकते हैं जैम में से. ये जो 7 सब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें से आप 2 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं देने के लिए. अगर आपका 2 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स करने का मन है, मतलब किसी में 2 में से एक में ही करेंगे आप, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास बीएससी प्रोग्राम कोर्स कर रहा हूं मैं, और मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों कोर्स थे मेरे पास तीनों साल, तो मैं तीनों के लिए एलिजिबल हूं. अब एलिजिबल हूं तो मेरा मन है कि मैं फिजिक्स भी दूं और मैथ्स भी दूं, क्या कि अगर जिसमें भी मेरा चांस बने, मेरे को आईआईटी बॉम्बे से या आईआईटी से करने का मौका मिले एमएससी, तो मैं अपने चांसेस बढ़ाने के लिए 2 पेपर दूंगा. तो आप जो है 2 पेपर कौन कौन से दे सकते हैं, ये 2 सेशंस होते हैं कि सेशन 1 में बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिकल, स्टेटिस्टिक्स और फिजिक्स, इनमें से आप एक कोई भी पेपर दे सकते हैं, और इसमें से भी केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी और मैथमेटिक्स से भी एक दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा था कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आप दे सकते हैं एक ही दिन, ये दोनों एग्जाम होते हैं 14 फैब को जो इस बार है, और सेशन 1 एंड सेशन 2 मॉर्निंग आफ्टरनून में होते हैं. ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आप बायोटेक्नोलॉजी के साथ फिजिक्स पेपर नहीं दे सकते, क्योंकि वो दोनों सेम स्लॉट में. ठीक है, तो अलग अलग स्लॉट से दे सकते हैं.
एक बात और, जरूरी नहीं है कि दोनों एग्जाम दें आप, एक ही एग्जाम दे सकते हैं। जैसे मैंने भी एक ही एग्जाम दिया था, सिर्फ आईआईटी जैम फिजिक्स एग्जाम, ठीक है। तो आप, ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों एग्जाम देने, एक ही एग्जाम से आप जो है अपना काम चला सकते हैं और आईआईटी पहुंच सकते हैं, अपने सपनों की नगरी पहुंच सकते हैं। चलिए, तो फीस क्या रहती है यार आईआईटी जैम एग्जाम की, कि कितना फीस आपको देना होता है इस एग्जाम के लिए? तो फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो वन पेपर के लिए 750 दे सकते हैं और टू पेपर्स के लिए 1050, ये 2021 के हिसाब से है। एंड ऑल अदर्स यानी कि मेल्स या जनरल और जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज वगैरह जो आती हैं, उसका जो 1500 है आपको एक पेपर के लिए देना होता है और 2100 दूसरे पेपर के लिए देना होता है, ठीक है। मूविंग अहेड, अब आपको मैं बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि क्या इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कितने बच्चे एग्जाम देते हैं, अगर आपके मन में आ गया होगा कि सर अब मेरा मूड बन गया है, मैं आईआईटी जैम एग्जाम देने वाला हूं, तो सर कितने बच्चे देते हैं साल में? तो अप्रॉक्सीमेटली 17,000 बच्चे एग्जाम देते हैं पर सब्जेक्ट, यानी कि अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो 17,000 बच्चे देते हैं, इतने ही केमिस्ट्री में, इतने ही मैथ्स में देते हैं और अप्रॉक्सीमेटली बाकी में थोड़ा कम देते हैं, ठीक है। तो सर आप बता दीजिए फटाफट कि कितनी रैंक लानी है मुझे, कितनी रैंक पे जो है मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो जनरल के लिए आपको 600 अगर आपकी रैंक आ जाती है, ठीक है, 17,000 में से अगर आपकी जनरल हैं आप और 600 तक आ जाती है रैंक आपकी, तो आपको कोई ना कोई आईआईटी मिल जाएगा। एनआईटी तो इसके बाद मिलते ही हैं, एनआईटी की अलग ही जाता है, जनरल के लिए वो तो 1600-1700 तक पहुंचता है और भी ज्यादा, ठीक है। फिलहाल जनरल आईआईटी के लिए बात कर रहा हूं मैं, ये तो जनरल के लिए 2600, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो होती है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसमें 1083 तक गई थी पिछली बार, 2022 की कट ऑफ के बेसिस पे बता रहा हूं मैं ये। ओबीसी 1185, एससी 2875, एसटी 6430 एंड अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है, तो आप 6450 तक आपकी रैंक आ जाएगी अगर 17,000 में से, तो आपका जो है बेड़ा पार हो जाएगा, आपको आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा किसी भी आईआईटी में। फिलहाल ये जो मैंने डेटा बता रहा हूँ, मैं आईआईटी आईएसएम धनबाद के बेसिस पे बता रहा हूँ, ठीक है, उसमें कोर्स फिजिक्स के बेसिस पे बता रहा हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थर्ड कट ऑफ लिस्ट। ये थर्ड कट ऑफ लिस्ट आती है, जैसे फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट, सेकेंड और थर्ड, तो थर्ड जो है गया मिनिमम क्राइटेरिया हो गया कि इतनी रैंक तो लानी ही लानी है, तो ये रैंक्स हैं आपको मैंने बता दिया। आई होप ये बहुत हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं कि सर कट ऑफ मार्क्स कितने होते हैं, अगर 100 में से कितने कट ऑफ मार्क्स चाहिए ताकि हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए, एटलीस्ट मैं जो हूं रैंक आ जाए मेरी, समझ रहे हैं आप, कि मैं रैंक में पार्टिसिपेट बन जाऊं, तो आपको ये इतने मार्क्स लाने जरूरी हैं। अगर आप मैथ्स का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 100 में से 33 इस बार कट ऑफ गई थी, किसके लिए, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 30 एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 16, ठीक है। अगर आप फिजिक्स की बात करें तो 21 इसकी कट ऑफ गई थी, 19 फॉर ओबीसी, एंड सिमिलरली अगर आप बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो 39.86 अप्रॉक्सीमेटली 40 गई थी। तो यानी कि अगर आपको 100 में से इतने मार्क्स चाहिए, अगर आप जो जो एग्जाम दे रहे हैं, ताकि आप जो है क्वालिफाई कर सके कट ऑफ को, कि आपको रैंक वगैरह में आप बैठ सके एग्जाम देने की, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए क्रैक करने की आईआईटी जैम एग्जाम। तो फुल वीडियो जो है इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ये मैंने प्लेटफॉर्म पे जो है लिया था, आईआईटी जैम अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे फ्री में अवेलेबल है ये वीडियो, कि हाउ आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 25 एंड रीच आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, इसका बारे में आपको बात करेंगे वहां पे। चलिए, तो इसकी फुल वीडियो तो वहां मिलेगी, फिलहाल मैं आपको यहाँ पे एक हिंट दे देता हूं कि आपको क्या चाहिए स्ट्रैटेजी क्रैक करने के लिए आईआईटी जैम। सो राइट गाइडेंस आपको चाहिए, पहली बात कि राइट गाइडेंस से क्या मतलब है, कि आप किसी के अंडर जो पढ़ रहे हैं आईआईटी जैम, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको कहां से, कहीं से तो गाइडेंस चाहिए। इसके लिए मैं अवेलेबल हूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, या फिर यहां पे भी यूट्यूब पे भी इनके चैनल पे आपको मिल जाऊंगा मैं, आपको गाइडेंस देते हुए परफेक्ट मटेरियल, आपको पढ़ने के लिए जो एक मटेरियल चाहिए उसके लिए भी मैंने यहां पे वीडियोस बना रखी हैं, बेस्ट बुक्स कौन सी हैं आपको आईआईटी जैम क्रैक करने के लिए, फिजिक्स के लिए या केमिस्ट्री के लिए, आपको अलग अलग टीचर से आपको जरूर वीडियो मिल जाएगी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ही। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो भी मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ, या फिर मैंने ये अपने आप में ना खुद में एक बड़े बड़े टॉपिक हैं, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी हैं, तो आप वो जरूर देख सकते हैं, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है,
ठीक है, स्मार्ट वर्क तो करना बहुत जरूरी है कि किस हिसाब से आपको जो है मैनेज करना है। देखो आपको पढ़ना बीएससी का सिलेबस ही है, लेकिन उसको एडवांस वे में पढ़ना है, वो है स्मार्ट वर्क। और कितना सिलेबस छोड़ना है, कितनी चीजें करनी है, ठीक है, वो है स्मार्ट वर्क। तो वो मैं पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैंने बता रखा है यहाँ पे फुल वीडियो में। फिजिक्स वाले बच्चे जो है ये वीडियो देख सकते हैं। सर कितना टाइम चाहिए आईआईटी जैम क्रैक करने के लिए? जैसे जेई के लिए तो 1 साल 1.5 साल 2 साल चाहिए होता है, जैम एग्जाम के लिए इतना टाइम नहीं चाहिए, मिनिमम 3 to 6 months। देखो मैक्सिमम तो आप जितना ज्यादा प्रिपरेशन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जो बच्चे हैं 1-1.5 साल प्रिपरेशन करते हैं और उनका बहुत ही अच्छा सिलेक्शन होता है, बहुत ही अच्छा स्कोर आता है। फिलहाल अगर आप मिनिमम क्राइटेरिया की बात करें कि सर बिल्कुल मैं तो अभी मैं देख रहा हूँ वीडियो और 3-4 महीने बाद पेपर है, तो मैं आपको बता दूं तब भी आप आईआईटी जैम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। सो मैं मिनिमम की बात करूं तो 3 to 6 months में आपको स्ट्रैटेजी पेपर चाहिए, मतलब मंथ्स प्रिपरेशन के लिए चाहिए एग्जाम क्रैक करने के लिए। ये तो मिनिमम है, ठीक है, 3 to 6 months। ये सर 3 to 6 months क्यों लिखा है आपने? ये अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग डिपेंड कर सकता है यार, कि हर बच्चे की क्राइटेरिया या कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, तो उसके बेसिस पे है ये, ठीक है, मिनिमम 3 to 6 months। आगे बढ़ते हैं, तो वाई टू ज्वाइन आईआईटी। अब वापस जाएं, अगर मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं अभी, ठीक है, आपको स्ट्रैटेजी बता दी है, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स बता दी है, व्हाट इज आईआईटी जैम एग्जाम पूरा बता दिया है, तो वाई आईआईटी और आईआईटी जैम एग्जाम पे अब आ जाते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होना चाहिए। आप तैयार हो चुके हैं अब आईआईटी जैम एग्जाम देने के लिए, तो थोड़ा सा मन और बनाना है, थोड़ा सा सपने और लाने हैं अपने अंदर कि आईआईटी क्यों जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं वाई टू ज्वाइन आईआईटी। सो दीज आर माय पॉइंट्स कि एक्सपोजर, फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सपोजर टू वंडरफुल कैंपस लाइफ। आईआईटी बॉम्बे की ऐसी कैंपस लाइफ है जहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, और बाकी आईआईटीज की भी सिमिलरली होती है, ठीक है। क्योंकि अगर आपका सपना है कि आप नंबर वन कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं इंडिया के, ठीक है, आईआईसी बैंगलोर हो गया, आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया, आईआईटी गांधीनगर हो गया, ऐसे अगर आप आईआईटीज में पढ़ना चाहते हैं तो आपको आईआईटी जैम एग्जाम देना चाहिए। और एक्सपोजर आपको जो है इतनी अच्छा कैंपस लाइफ का कहीं नहीं मिलेगा, आपको हर फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको अगर थिएटर करना है थिएटर है, आपको पढ़ाई के लिए रिसर्च लैब्स हैं, पढ़ाई के लिए बेस्ट टीचर्स मिल रहे हैं, बेस्ट लाइब्रेरी मिल रही है, तो बहुत ही अच्छी कैंपस लाइफ जो है वहां पे आपको जीने को मिलेगी। बिल्ड योर कैरेक्टर, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि आईआईटी जो है आपके कैरेक्टर बिल्डअप करते हैं। अगर आप किसी भी स्टूडेंट से बात करें प्रीवियस जो आईआईटी से पास आउट है, तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे है। क्यों है? क्योंकि आईआईटी जो है उनका एक कैरेक्टर बना देता है, ऐसा कैरेक्टर बना देता है जो ओवरऑल वर्ल्ड में रिस्पेक्ट किया जाता है, ऐसा कैरेक्टर, ठीक है। उनके पास जो होते हैं टैलेंट्स होते हैं कि वो मल्टीटास्किंग कर पाते हैं, एकेडमिक्स में भी अच्छे होते हैं एज वेल एज कुछ बाकी चीजें नॉन करिकुलर एक्टिविटीज में भी वो आप जो है कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा टॉप कॉलेज टैग। जैसे ये मैंने आपको नीचे लिखा हुआ है ना, बॉटम वाली अगर आप लाइन देखेंगे कि शानू अरोरा ऑल इंडिया रैंक 25 एमएससी आईआईटी बॉम्बे, तो ये टैग है, ये मेरे नाम के साथ टैग है जो मेरे साथ जुड़ चुका है मेरे लाइफ के लिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि टॉप कॉलेज का टैग आपके साथ जुड़े, तो यार आईआईटी जैम एग्जाम इज फॉर यू, ठीक है। फोर्थ पॉइंट वाई टू ज्वाइन आईआईटी। क्यों आईआईटी इतना बड़ा चढ़ा के बताया जाता है यार आईआईटी इतना बढ़िया कॉलेज है, ये है वो है, क्यों है? क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटीज के साथ साथ आपको यहाँ पे क्लब्स, हर तरह के क्लब्स मिलेंगे। अगर आप रोबोटिक्स सीखना चाहते हैं तो आपके लिए क्लब है, अगर आप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना चाहते हैं तो क्लब है, एस्ट्रोनॉमी सीखना चाहते हैं तो एक क्लब है, अगर आपको डांस सीखना है तो क्लब्स हैं, अगर आपको जो है थिएटर सीखना है तो क्लब्स हैं, ठीक है। और इन क्लब्स में भी नंबर वन लोग होते हैं जो सिखाने वाले होते हैं, जैसे कि बहुत सारे डांस क्लब्स हैं जिनमें आए दिन जो है बॉलीवुड के स्टार्स आते रहते हैं आपको वर्कशॉप्स लेने के लिए। सिंगर जो सिंगिंग सोसाइटी है वहाँ पे भी सिंगर्स आते रहते हैं, एक्टिंग सोसाइटीज़ में भी बॉलीवुड स्टार्स आते रहते हैं, ठीक है, आए दिन। सो आपको जो है पूरा एक्सपोजर मिलता है लाइफ का और बाकी लोगों से ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसा कल्चर है आईआईटी बॉम्बे का, ऐसे क्लब्स हैं, ठीक है। अगर बात करें फॉरेन इंटर्नशिप्स और रिसर्च कल्चर की, बहुत अच्छा है वहाँ पर, ठीक है। फॉरेन इंटर्नशिप और रिसर्च कल्चर की बात अगर मैं करूँ तो मेरी खुद की इंटर्नशिप केआईटी जर्मनी लगी थी, ठीक है, 2020 में, ठीक है, फॉरेन इंटर्नशिप्स। और रिसर्च कल्चर बहुत ही अच्छा है, अगर आपका मन है कि आप पढ़ाई में आगे जाना चाहते हैं, एकेडमिक्स में आगे जाना चाहते हैं और साइंस को आगे लेकर जाना चाहते हैं, कुछ नई रिसर्च करना चाहते हैं,
आईआईटी बॉम्बे या आईआईटीज आर प्लेस फॉर यू. आइजर में इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्सेज होती हैं, आईएससी बैंगलोर में इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्सेज होते हैं. तो कहां से मिलेंगे आपको? आईआईटी जैम एग्जाम से. बात करें प्लेसमेंट्स की, ठीक है. तो आईआईटी में प्लेसमेंट्स का सच ये है कि प्लेसमेंट सच में बहुत अच्छे हैं आईआईटीज के, पर कुछ कुछ जो कोर्सेज होते हैं उनके लिए कम है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने कोर्स की बात करूँ, एमएससी फिजिक्स कोर्स की, तो उसकी प्लेसमेंट थोड़ी कम है, बट कंपेरिटिवली मैथमेटिक्स की अच्छा है और स्टैट्स का अच्छा है, बायो का अच्छा है, केमिस्ट्री का अच्छा है. तो कोर्सेज पे डिपेंड करता है कि आपको प्लेसमेंट जो कैसा लगेगा. प्लस एक बात बता दूं, अगर आपका मन प्लेसमेंट का बन गया है तो आपको कहीं भी पूरे वर्ल्ड में एमएससी डिग्री के साथ बेस्ट प्लेसमेंट जो मिल सकता है वो आईआईटी से भी मिल सकता है. 10-12 लाख का पैकेजेस जो है वो बहुत कॉमन है. मतलब आपके ज्यादातर पैकेजेस 8-12 लाख के रहते हैं, जो कि काफी अच्छे पैकेजेस हैं. बाकी 40-30 लाख के भी पैकेजेस आती हैं, बहुत ज्यादा आते हैं. उनके लिए भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, जैसे कोडिंग सीखनी पड़ेगी. कोडिंग इज मस्ट, एप्टीट्यूड इज मस्ट. ये दो चीजों पर आपको कमांड रखनी है, साथ साथ डेटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग. कोई भी अगर आप प्लेसमेंट में जाना चाहते हैं आईआईटीज की, तो ये चारों चीजें जो आपको मैंने बताई बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो इसी के साथ यार मैं आपको ये वीडियो बंद करना चाहेंगे. इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं, सो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप कॉमेंट्स करके बता सकते हैं कि वीडियो कैसा रहा. सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को. और इस कोट के साथ मैं खत्म करूंगा, वंस एन आईआईटीएन ऑलवेज एन आईआईटीएन. मेरे साथ जो ये टैग जुड़ गया है आईआईटी बॉम्बे का या ऑल इंडिया रैंक 25 का, इवन इफ मैं 60 इयर्स का हो जाऊंगा तब भी ये टैग मेरे साथ रहेगा. इसीलिए वंस एन आईआईटीएन ऑलवेज एन आईआईटीएन. अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपनी आईआईटी जैम की बहुत अच्छे से, तो आप अनअकैडमी पे कर सकते हैं. बहुत ही अच्छे कोर्सेज अवेलेबल है अनअकैडमी पे. आप फ्री में भी क्लासेस ले सकते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक लिंक tinyurl/shanu2, उसमें आप जो है आप एक्सेस कर सकते हैं. मेरे फ्री लेक्चर्स सारे आपको लाइन वाइज मिल जाएंगे, और भी जो है आपको यहाँ पे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. सो जरूर ज्वाइन करिए अनअकैडमी, एटलीस्ट फ्री लेक्चर्स तो जरूर देखिए आप, ठीक है. इसी के साथ आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी चीज के साथ, जो मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ. इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू. अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट.